हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये देखिए, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, वो भी बिना कद्दूकस किए, बिना काटे पीटे, और बड़े ही आसानी से बनाएंगे, और बिना मावा के, बिना दूध के, और बिना मिल्क पाउडर के, और बड़ी ही सीक्रेट तरीके से बनाएंगे, और बहुत ही जल्दी बन जाएगा, सिर्फ 15 मिनट में। हाँ दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काट के हमने गाजर को ले लिया है। तो अब हम इन गाजर को क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में इन गाजर को डाल लेंगे, और थोड़ा हम इसको रुक रुक के चलाएंगे मिक्सी जार को, ताकि हमारी गाजर का पेस्ट ना बने, सिर्फ कद्दूकस जैसी हो जाए। तो मैं इन गाजर को इनमें डाल लेती हूँ, और फिर इनको कद्दूकस मतलब कि ग्राइंड करती हूँ बड़ा ही दरदरा तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने गाजर डाल लिए और इनको मैंने रुक रुक के चलाया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैंने सारी गाजर कद्दूकस करके मतलब कि ग्राइंड करके और कढ़ाई में निकाल लिए हैं, क्योंकि हम हलवे को बनाएंगे कढ़ाई में। तो ये मैंने निकाल लिए, और ये देखिए बिल्कुल कद्दूकस के जैसी लग रही है ना ये। और इनको कद्दूकस मतलब ग्राइंड करने में मुझे 5 मिनट भी नहीं नील लगे थे, तो हकीकत बता रही हूँ। एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने कढ़ाई रख लिया अब गैस पर, तो अब मैं इसको पकाऊंगी। तो मैं पहले इसे बिना कुछ डाले ऐसे ही पकाऊंगी, थोड़ी देर ऐसे ही चलाऊंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो मैं इसे चला लेती हूँ इसे थोड़ी देर के लिए, और ये देखिए मैंने चलाया, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे भाप बन के इसमें पानी बन गया है। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लगी है, और इसमें मेरी गाजर पक जाएंगी, और कुछ हद तक तो मेरी गाजर पक भी चुकी हैं इसमें, ये देखिए। अब हम इसे स्टेज पर क्या करेंगे, हम इसमें सिर्फ 3 चम्मच मलाई डालेंगे। हाँ दोस्तों, ये वही मलाई है जिसमें जिसे हम दूध में से निकाल के स्टोर करके रखते हैं घी निकालने के लिए। तो हम सिर्फ इसमें 3 ही चम्मच मलाई डालेंगे। तो ये मैंने 2 चम्मच डाल दी हैं, और 1 चम्मच मैं और डालूंगी, और सिर्फ 3 चम्मच मलाई से हमारा काम हो जाएगा, और बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनेगा हमारा। तो ये दोस्तों, मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं इसे अब मिक्स कर लूँगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से, तो ये दूध जैसी हो जाएगी बिल्कुल मलाई हमारी। तो इसमें दूध, मावा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 चम्मच मलाई से हमारा हलवा बन करके तैयार हो जाएगा। तो अभी तो मैं इसे मिक्स कर लूँ, क्योंकि ये अभी काफ़ी सारा दूध छोड़ेगी, तो मैं इसे अच्छे से पकाऊँगी अभी इसमें। तो ये देखिए, इसने दूध काफ़ी सारा छोड़ दिया है मलाई ने, तो ये इसमें ही पक जाएगा। तो मुझे, मैंने इस टाइम पे हाई मीडियम आंच कर रखी है गैस की, क्योंकि मुझे ये हाई मीडियम पर पकाना है। मेरी जो कढ़ाई है वो नॉन स्टिक है, तो उस पे ज़्यादा आंच लगती नहीं है, इस वजह से। अगर आप ऐसे ही पतीले में पका रहे हो तो मीडियम पर पकाना, वरना आपका हलवा जल सकता है। तो मैंने ये हाई मीडियम पर पका रही हूँ, इस वजह से मुझे 15 मिनट में मेरा हलवा बन करके तैयार हो गया था, और बहुत ही अच्छे से। अब मैंने ये ढक दिया है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट बाद देखेंगे हम इसे। तो ये देखिए, 5 मिनट बाद मेरा हलवा काफ़ी हद तक बन गया है, और इसका पानी काफ़ी हद तक सूख भी गया है। इसका जो दूध छोड़ा था ना मलाई ने, वो सूख चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे क्या, चीनी। तो चीनी मैं अपने टेस्ट के अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने हलवे के अकॉर्डिंग डालना, आप कितना मतलब हलवा बना रहे हो उस हिसाब से डालना। तो मैं तो मेरे हलवे के हिसाब से डाल रही हूँ, हम कितना खाना मतलब मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। तो ये मैंने चीनी डाल दिया, और इसे भी मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। तो थोड़ा बहुत हमारा हलवा जो बच गया था ना मतलब पकने पर से, तो वो अब चीनी में पक जाएगा। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी क्या, थोड़े बहुत जो ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास, उनको डालूंगी। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हो। तो ये मेरे पास थोड़ी सी इलायची पाउडर है, और ये काजू है, और किशमिश है, और ये है बादाम का टुकड़ा।
टूटा हुआ, तो मैं इनको डाल देती हूँ और थोड़े से रखेंगे हम गार्निशिंग के लिए। तो मैं इसमें डाल देती हूँ, मेरा हलवा काफ़ी हद तक पक चुका है, अब थोड़ी ही सी देर रह गई है, मतलब कि सिर्फ 5 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाएगा, क्योंकि मेरी हाई मीडियम आंच चल रही है इस टाइम पर। तो मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा हमें और चला लेना है हलवा हमारा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा हलवा एकदम से बन करके तैयार है, और 5 मिनट ही और चलाया था, तो कुल टोटल मुझे इसमें 15 मिनट लगी हैं मेरे हलवे को बनाने में। तो गाजर को काट करके मिक्सी में ग्राइंड करने तक और यहाँ तक इस स्टेज तक मुझे सिर्फ 15 मिनट लगी हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही जल्दी बनता है। तो एक बार इसे बना करके ज़रूर देखिएगा, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। तो आइए हम इसे गार्निशिंग करते हैं, और ये देखिए मेरे हलवे का टेक्सचर ऐसा लग रहा है ना कि इसमें मावा डाला है, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से बनाने से। तो मैं कभी कभी ऐसा ही करती हूँ, जब मेरे पास मावा नहीं होता है और गाजर का हलवा खाने का मन करता है तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। और ये चीज़ तो जब मन करे तब ही बना लेना चाहिए, अपने मन को कभी मारना नहीं चाहिए। तो ये मैंने बना लिया है, तो आइए हम इसे गार्निशिंग करते हैं। तो गार्निशिंग करने से पहले हम इसमें डालेंगे क्या, इलायची पाउडर। तो इसको पहले मिक्स कर देते हैं, फिर इसे हम अपनी कटोरी में खाने के लिए निकालेंगे और थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, ताकि आप भी मेरे हलवे को देखकर मुझे एक दो लाइक दे दीजिए, तो आपका भी मुंह मीठा हो जाएगा मेरे हलवे को देखकर वैसे। और अगर हाँ घर पर आओगे तो मैं आपको ज़रूर खिलाऊंगी। तो ये देखिए मेरा हलवा बन करके तैयार है, और कैसा लग रहा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये देखिए गर्मा गर्म हलवा तैयार है एकदम से खाने के लिए। तो आइए आप भी खाइए, और लग कैसा रहा है ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे हलवे की जो रेसिपी है और जो बनाने का तरीका है उसे देखकर प्लीज एक बार मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।